देखो यूजुअली वीडियो की शुरुआत ना मैं स्टार्टिंग पॉइंट से करता हूँ, पहली बार मैं एंड पॉइंट से कर रहा हूँ। इसका रीज़न ना आपको फट से ही बताता हूँ। ये देखे तो मेरे पीछे ये हेबे फॉल्स, यहाँ तक कैसे पहुँचना है जो आपको ये देखने मिल जाए उसके लिए वीडियो आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। वेलकम करने का, इंट्रोड्यूस करने का मौका नहीं मिला। मैंने आके पूछा ही था कि जीप यहाँ से जाने वाली है क्या, और उन्होंने कहा जा ही रही है, बस चढ़ जाऊँ, और मैं चढ़ गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हेबे फॉल्स की तरफ। लास्ट वीडियो में हम गए थे जी पॉइंट ट्रैक, जहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया था वहीं से हेबे फॉल्स का जीप राइड शुरू होता है। भाई मज़ा आ रहा है। इससे पहले मैंने बाइक में ऑफ रोडिंग की है, जीप में पहली बार कर रहा हूँ। इतना खतरनाक ऑफ रोड है, खड़े खड़े सिर्फ कंधे रोड पे टकरा रहे हैं जीप की, और कुछ नहीं, जैसे तैसे एक हाथ से रोड पकड़े खड़ा हुआ हूँ मैं। फाइनली पहुंच गए भाई, जीप राइड हुई ख़त्म। माँ कसम इतनी दर्दनाक राइड है ना ये, मैं बता रहा हूँ मैंने इससे ज़्यादा ख़राब रोड और इससे ज़्यादा ख़राब वेदर में गाड़ी चलाई है, बट बाई फार ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। मतलब ऐसी जीप में, ऐसे रास्ते में खड़े होकर वीडियो बनाने के सोचने के लिए भी इतनी हिम्मत चाहिए। इतने बार मेरे कंधे टकरा रहे थे ना रोड में, वो भाई मेरे को लग रहा था आज ये राइड ख़त्म होने से पहले तक मेरे कंधे डिसलोकेट हो जाएंगे। बट सच बताऊं तो आप इस रास्ते को बहुत एंजॉय करोगे अगर आपको थोड़ा भी एडवेंचर ऐसा पसंद है तो, क्योंकि ये प्रॉपर एकदम फॉरेस्ट के अंदर से जाता है। ये जो पूरा एरिया है ये बद्रा टाइगर रिजर्व के अंदर, तो ये प्रॉपर फॉरेस्ट के अंदर से एकदम ऑफ रोड में, अभी 1 किलोमीटर का और यहाँ से वॉक है, वो करके अपन पहुँचेंगे हेबे फॉल्स। जैसे जैसे अपन फॉल के पास आते जा रहे हैं ना, आवाज़ और बढ़ती जा रही है। है ना, एक नंबर। जंगल की इस आवाज़ में ना एक सुकून है मालूम, शांति से सुनो। कुछ कीड़ों की आवाज़ आ रही है, कुछ पंछियों की आवाज़ आ रही है, कुछ पानी की आवाज़ आ रही है, मतलब इतना सुकून है ना अगर आप शांति से बैठ के सुनोगे तो। हाँ बस हॉरर मूवी देख के मत आ जाना। अरे बाप रे, पहुँच गए। दिखाता हूँ। लेंस ढक जा रहा है पूरा।
सच बताऊं ये खतरनाक जीप राइड के बाद जितनी थकान आपको हुई होगी ना, 2 मिनट सामने खड़े हो जाओ, ऐसे पानी की छींटे पड़ेंगे, आपकी सारी थकान गायब। कल तक मैंने ना इसके रिव्यूज में थोड़े फोटोज देखे और फोटोज देखे खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा था कि ठीक है नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन फाइनली ये देखने के बाद मेरे को सीरियसली ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ये मिस कर जाता। अगर आप चिकमंगलूर आ रहे हैं तो जी पॉइंट के बाद ये तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। किसी के रिव्यूज फोटोज बताने में मत जाना, जरूर आना। और अगर आप बारिश के मौसम में उसके बाद आ रहे हैं तब तो ये बेहतरीन साइज में दिखने वाला है आपको। आपको फोटोज वीडियोज में खास समझ नहीं आएगा, आपको इधर आना पड़ेगा इसको एक्सपीरियंस करने के लिए।